आप सभी को मेरा नमस्कार आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार बच्चा जी आज हम जो है सागर विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे हाँ जी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी सागर में स्थित है ठीक है अगर आप सी यू टी यूजी ट्वेंटी देने वाले हैं और सागर यूनिवर्सिटी में दैट इज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और सी में किस सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना होगा आइए जानते हैं तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इसमें अगर कोर्सेज की हम बात करें अगर आप करना चाहते हैं बी ए बी ए फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी तो बी ए जो है ये सेमेस्टर सिस्टम में इनका चलता है एनुअल सिस्टम नहीं है सिक्स सेमेस्टर तीन साल एक साल दो सेमेस्टर ठीक है तो अगर आपको बी ए करना है तो आपको CUET में एक आधर लैंग्वेज लेनी होगी आइर हिंदी और इंग्लिश ठीक है इन दोनों में से एक लैंग्वेज प्लस जी फ्रॉम सेक्शन थ्री मतलब इन दो सब्जेक्ट से सिर्फ आप अगर सी देते हैं तो आप बी में एडमिशन ले सकते हैं ठीक है इसके साथ क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का क्या है टेन प्लस टू आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है साइंस आर्ट्स कॉमर्स कहीं से भी लेकिन आप बी में अगर एडमिशन चाहिए तो हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज प्लस एक जी ये दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आपको सी देना होगा अब CUET का जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उसमें मैंने आपके ब्रोशर जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई भी एज लिमिट नहीं है राइट right? ये उनके ब्रोशर में हमने देखा था बट ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है जैसे कि सागर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज आपकी ट्वेंटी टू हो सकती है अगर आप इकतीस जुलाई दो तक ट्वेंटी टू के हैं तो तो आप एलिजिबल हैं कि इस कोर्स के लिए सीयूईटी से एडमिशन सागर यूनिवर्सिटी में ले सके बट अगर आप 22 की एज को क्रॉस कर रहे हैं 31 जुलाई 2024 तक तो आप एलिजिबल नहीं है केस अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं और सेम एज मैक्सिमम एज लिमिट 27 सेवन ईयर्स है फॉर द एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो सागर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इसमें एज क्राइटेरिया एज रिक्वायरमेंट इन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है कि मैक्सिमम जो है वो 22 इयर्स हो सकती है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड 27 फॉर द अदर रिजर्व कैटेगरीज ठीक है वो भी 31 जुलाई 2024 तक अगर आप इसको मीटअप कर रहे हैं तभी आप ये सीयूईटी का और एलिजिबिलिटी का कंप्लीट कर रहे हैं और ये पेपर देकर बी ए में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्स में इसके एडमिशन ले सकते हैं मैक्सिमम ट्वेंटी टू फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड ट्वेंटी सेवन फॉर द एस सी एस टी एंड फिजिकली डिसेबल्ड राइट स्टूडेंट्स तो ये तो हो गई बी की बात इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कोर्स दैट इज बी कॉम अगर आप बी कॉम करना चाहते हैं सागर यूनिवर्सिटी से तो आपको क्या सीयूईटी में एक तो लैंग्वेज आधर हिंदी और इंग्लिश एक डोमेन सब्जेक्ट जिसमें अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज इन दोनों में से कोई भी एक दो ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं आइधर अकाउंटेंसी और आइधर बिजनेस स्टडीज इन दोनों डोमेन सब्जेक्ट में से एक डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा प्लस जी टी इज कंपल्सरी राइट तो इन तीन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से एग्जाम देकर आप बी कॉम परस्यू कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ जो है आपकी कॉमर्स से ही होनी चाहिए तभी आप बी कर सकते हैं राइट और एज क्राइटेरिया सेम वही ट्वेंटी टू मैक्सिमम राइट फॉर द जनरल एंड ओबीसी इसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फोर ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एट्स का बीए बीएड अगर आप करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से तो आपको क्या है वही सेम क्राइटेरिया हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चूज करनी है और सब्जेक्ट जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और उसके अलावा जीटी तो ये तीन के कॉम्बिनेशन से बी ए बी एड या फिर बी एस सी बी एड इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट भी लेना पड़ता है राइट right? और टेंथ आपका प्लस टू जो है टेन प्लस टू किसी भी डिसिप्लिन से हो सकता है मतलब आप आर्ट से हो सकते हैं कॉमर्स मतलब से हो सकते हैं बी ए बी एड साइंस से भी हैं तो भी आप बी ए बी एड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से राइट और एज क्राइटेरिया वही सेम राइट स्टूडेंट्स इसके अलावा बी ए बी एड के अलावा बी एफ एट इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स राइट स्टूडेंट्स चार साल का बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इसके लिए आपको क्या करना है एक लैंग्वेज एक जीटी बस दो कॉम्बिनेशन जबकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है फाइन आर्ट्स एज डोमेन सब्जेक्ट भी मांगती हैं जिन बी एफ ए अगर आपको करना है कुछ और यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं मैंने आपको बताई है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज आपने देखा होगा जिसमें जी और लैंग्वेज के साथ फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट एज ए चूज करना पड़ता है बट यहाँ ये सागर यूनिवर्सिटी उसकी डिमांड नहीं कर रही है सिर्फ जी एंड वन लैंग्वेज फॉर द बी दैट इज बैचलर इन फाइन आर्ट्स और आपकी ट्वेल्थ किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है और एज क्राइटेरिया वही सेम है मैक्सिमम ट्वेंटी टू टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर राइट स्टूडेंट्स इसके अलावा बीबीए ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं बीबीए करना चाहते हैं तीन साल का बीबीए ऑनर्स तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट की बात करूं अगर तो बिजनेस स्टडीज आपको लेनी होगी डोमेन सब्जेक्ट जो होगा आपका ठीक है स्टूडेंट्स और इसके अलावा जीटी लेना होगा तो इसका मतलब आप बीबीए भी कर सकते हैं बीकॉम भी कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ ठीक है इन तीन सब्जेक्ट और ट्वेल्थ आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है जबकि बीकॉम के लिए इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा था कि आपकी सिर्फ कॉमर्स से हो, होनी चाहिए ट्वेल्थ जबकि इसमें बीबीए ऑनर्स अगर आपको करना है तो ट्वेल्थ आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है एज क्राइटेरिया वही सेम है इस कोर्स के लिए भी इसके अलावा बी अगर करना चाहते हैं ये बी एस ऑनर्स नहीं ऑफर करती है यूनिवर्सिटी बी बायो अगर आप करना चाहते हैं थ्री ईयर्स का तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेनी होगी एंड सेकंड उसके आ, अलावा जीटी जो है वो आपको लेना होगा सेक्शन थ्री से तो इन तीन सब्जेक्ट के मतलब लैंग्वेज डिमांड ये नहीं कर रहे हैं बीएससी के लिए राइट right स्टूडेंट्स तो लैंग्वेज जो है वो बीएससी बायोलॉजी अगर आपको यहां से करनी है यूनिवर्सिटी से तो आपको क्या करना होगा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दो डोमेन सब्जेक्ट प्लस एक जी टी. तो ये तीन सब्जेक्ट से आपको भरना होगा और ट्वेल्थ आपकी साइंस से होनी चाहिए मतलब बायोलॉजी ग्रुप से होनी चाहिए आपके पास पीसीबी होना चाहिए राइट स्टूडेंट बायोलॉजी होना चाहिए आपके पास ट्वेल्थ में इसके अलावा एज क्राइटेरिया वही सेम है इसमें भी इसके अलावा नहीं कर सकता बैड लक राइट स्टूडेंट्स बीएससी बी एड की अगर मैं बात करूं चार साल का राइट इन कोर्सेज में, right, में मैंने आपको पहले ही बताया एक साल आपका बच जाता है बिकॉज अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन बी एड अलग से परस्यू करते हैं तो दो साल की होती है तो ओवरऑल आपको थ्री प्लस टू फाइव ईयर लग जाते हैं जबकि यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ बी एड भी मिल रही है इंटीग्रेटेड

केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ये तीन तो डोमेन सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और एक जीटी इसमें भी लैंग्वेज डिमांड नहीं है बट टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जुड़ गई है इसका मतलब बी एस यहां बी पे सागर यूनिवर्सिटी में जो ऑफर हो रही है वो सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए हो रही है राइट तो ट्वेल्थ में आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए अब वो आइर आपके पास पी हो सकता है या हो सकता है पी हो राइट मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी ले रखी हो आपने ट्वेल्थ में राइट स्टूडेंट्स आगे देखो बालकों बी अगर मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ट्वेल्थ में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए

साइंस स्ट्रीम वाला ही पर्स्यू कर पा रहा है और एज क्राइटेरिया बीएससी मैथमेटिक्स में भी स्टूडेंट्स सेम है उसके अलावा अगर हम बात करें बीएससी बीएड फॉर द मैथमेटिक्स ग्रुप जैसे अभी हमने क्या देखा था बीएससी बीएड फॉर द बायोलॉजी ग्रुप देखा था राइट अब मैथमेटिक्स ग्रुप आ गया है जिनके पास मैथमेटिक्स है उनके लिए तो डोमेन तो ये दोनों सागर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है मैथमेटिक्स वालों के लिए भी बी एस सी बी एड और बायोलॉजी वालों के लिए भी अब मैथमेटिक्स वाले जो है उनको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चूज करना पड़ेगा जैसे उसमें बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री करना पड़ रहा था और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड ये तीन डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे इसके अलावा जी रहेगा फ्रॉम द सेक्शन थ्री राइट right, और प्लस टू जो है वो आपकी मैथमेटिक्स ग्रुप से होनी चाहिए और एज क्राइटेरिया भी वही सेम इन्होंने कॉन्स्टेंट रख रखा है इसके अलावा बीसीए की बात करें बैचलर इन कंप्यूटर uh, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपको चूज करना होगा एज अ डोमेन सब्जेक्ट एंड जी टी कंपलसरी अभी तक सारे सब्जेक्ट्स में जी तो लेना ही है ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड जी से आपको देना होगा अगर बीसीए करना है ट्वेल्थ में आपके पास मैथमेटिक्स का ग्रुप होना चाहिए मतलब मैथ्स से होनी चाहिए और एज क्राइटेरिया बीसीए में भी कॉन्स्टेंट वही है मैक्सिमम ट्वेंटी टू बैचलर इन फार्मेसी अगर आप करना चाहते हैं तो फार्मा का जो चार साल का एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स ग्रुप दोनों के लिए तो तीन डोमेन सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करने होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी आपके पास ट्वेल्थ में आप ऑब्वियसली वही चूज करने हैं मतलब अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से और मैथमेटिक्स करना चाह बी फार्मा करना चाह रहे हैं यहाँ से फोर ईयर्स का एट सेमेस्टर्स का तो आपको क्या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से देना होगा अगर मैथमेटिक्स से है फिर आप करना चाह रहे हैं बी फार्मेसी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से देना पड़ेगा तो सब डोमेन

और एज क्राइटेरिया यहां पे भी सेम इन्होंने रख दिया है लेकिन एक चीज इन्होंने और यहां पे हाईलाइट कर दी है स्टूडेंट्स क्या कर दी है ये देखिए राइट right? ये जो है 17 यहाँ पे लिखा है इस कोर्स के लिए स्पेसिफाई इन्होंने किया है कि मिनिमम 17 इयर्स का जो है वो बच्चा होना चाहिए तो मिनिमम एज भी इन्होंने यहाँ पे बताई है मैक्सिमम तो 22 सेम वही है 31 जुलाई 2024 तक लेकिन 31 जुलाई 2024 तक वो 17 का भी हो जाना चाहिए 17 से अगर कम है तो भी वो एलिजिबल नहीं है राइट right, स्टूडेंट्स तो ये इन्होंने इस कोर्स के लिए बी फार्मा के लिए स्पेसिफाई किया है इसके अलावा बी एल एल बी ओनर्स फाइव ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर लो आप लो करना परस्यू करना चाहते हैं ग्रेजुएशन प्लस लो फाइव ईयर का तो वो भी ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है इसमें लो फैकल्टी में और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके लिए क्या करना पड़ेगा वही सेम कॉम्बिनेशन जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं एनी वन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश उसके अलावा सब्जेक्ट डोमेन में लीगल स्टडीज ऑब्वियसली एंड सेक्शन थ्री में जीटीज कंपलसरी कंपल्सरी तो ये तीन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा ट्वेल्थ आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है मिनिमम बस 45 परसेंट होना चाहिए इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा कि आपका मैक्सिमम 22 ही हो सकता है इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं रखी है आप अगर 25 के भी हैं तो भी आप सागर यूनिवर्सिटी में बी ए एल ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं राइट स्टूडेंट स्पेसिफिकली इस कोर्स के लिए इन्होंने नो एज एज रेस्ट्रिक्शन लिख रखा है बी ऑनर्स इन वैदिक स्टडीज की अगर हम बात करें तो वैदिक स्टडीज में बी ऑनर्स चार साल का कोर्स जो है ये ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी इसके लिए आपको वही हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज ये तो कंपलसरी है ही उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट में अगर बात करें तो ट्रेडिशंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया ये चूज करना है आपको उसके अलावा सेक्शन थ्री से जीटी तो ये तीन कॉम्बिनेशन आपको चाहिए अगर आपको बी ए ऑनर्स करना है वैदिक स्टडीज में राइट right? और ट्वेल्थ आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट होने चाहिए इन केस ऑफ जनरल ईडब्ल्यू एस एंड ओबीसी राइट और फाइव परसेंट रिलैक्सेशन फॉर द अदर रिजर्व कैटेगरीज और इसके लिए वही एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 22 होना चाहिए राइट right? uh, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए राइट right, स्टूडेंट्स इसके अलावा एक कोर्स ये ऑफर कर रही है सागर यूनिवर्सिटी दैट इज बी एच एम सी टी वॉट इज दिस दिस इज द बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी राइट तो ये जो है चार साल का कोर्स अगर आप होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन वो क्या रखना पड़ेगा एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द सेक्शन वन ए दैट इज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज रहेगा और उसके अलावा जीटी रहेगा थर्ड में मतलब ये तीन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आप बीबीए में भी जा सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में और इस कोर्स में होटल मैनेजमेंट के कोर्स में भी जा सकते हैं ट्वेल्थ आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है ठीक है इसके अलावा एज क्राइटेरिया इसमें भी सेम है मैक्सिमम ट्वेंटी होगा इकतीस जुलाई दो तक उसको अगर एक्सीड कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है राइट right, स्टूडेंट्स तो ये सारे कोर्सेज है जो कि सागर यूनिवर्सिटी दैट इज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है भोपाल से 170 किलोमीटर दूर है देश का एक के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सब कोर्सेज़ हैं और उनके क्या एलिजिबिलिटी है प्लस किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको सी देना होगा मैंने एक एक करके बता दिया है इसके अलावा सीट मैट्रिक्स का अगर इस साल का देखें कुछ वो भी आपको मैं दिखा देता हूं कि ओवरऑल सीट मैट्रिक्स क्या कितनी सीट्स के लिए एडमिशन होना है सी यू से इस साल इस सागर यूनिवर्सिटी में ठीक है तो सीट मैट्रिक्स है यूजी प्रोग्राम्स की 2024 25 आप देख सकते हैं अगर बीए की बात करूं तो बीए 806 सीट्स यूनिवर्सिटी uh, में टोटल uh, 806 सीट्स हैं फॉर द बीए प्रोग्राम जिसके लिए एडमिशन होगा तीन साल का प्रोग्राम है मतलब छह सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है और प्लस टू किसी भी डिसिप्लिन से आपकी हो सकती है इसके अलावा बीए बीएड की बात करूं तो 63 सीट्स हैं बीए बीएड की जिसमें ट्वेल्थ आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है ये चार साल का प्रोग्राम है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करूं तो 25 सीट्स हैं इसमें ट्वेल्थ इसमें भी आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है स्टूडेंट्स और चार साल का प्रोग्राम है इसके अलावा बीकॉम की बात करूं तो 325 सीट्स हैं बीकॉम की ठीक है जिसमें ये एडमिशन लेने वाले हैं सी यू टी यू जी में उसके अलावा टेंथ ट्वेल्थ जो है आपकी कॉमर्स से ही होनी चाहिए अदरवाइज आप अगर साइंस या आर्ट्स हैं तो आप बी कॉम परस्यू से नहीं कर सकते और ये तीन साल का कोर्स इसके अलावा बीबीए ऑनर्स की बात करूँ तो टोटल सिक्सटी सीट्स ट्वेल्थ आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है स्टूडेंट्स और टोटल तीन साल का कोर्स है बीबीए ऑनर्स बीएससी बायो ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो बी एस सी बायोग्रुप में थ्री ट्वेंटी वन सीट्स है और ट्वेल्थ आपकी ऑब्वियसली साइंस से होनी चाहिए तभी आप ये कर सकते हैं बायोलॉजी ग्रुप से और तीन साल का कोर्स है और बी एस सी बी एड बायो वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो थर्टी वन सीट्स है जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और ये भी आपकी बायोलॉजी से होनी चाहिए ट्वेल्थ तभी आप कर सकते हैं और ये चार साल का प्रोग्राम है क्योंकि इंटीग्रेटेड है राइट बी एस सी मैथमेटिक्स वालों के लिए टोटल टू एट्टी एट सीट्स हैं राइट और मैथमेटिक्स से ही आपकी ट्वेल्थ होगी और मैथमेटिक्स आप डोमेन में चूज करेंगे तभी ये कर सकते हैं

चार साल का कोर्स है बी ए ऑनर्स पांच साल का कोर्स फिफ्टी थ्री सीट्स हैं यहाँ पे और ट्वेल्थ आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है आप लीगल स्टडीज को बस डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा पांच साल का कोर्स है टेन सेमेस्टर्स बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की सिक्सटी सीट्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में ट्वेल्थ आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है और चार साल का ये कोर्स रहने वाला है बी ऑनर्स वेदिक स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो 40 सीट्स इस कोर्स में भी है ट्वेल्थ आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है और उसके अलावा चार साल का ये बैचलर होगा वेदिक स्टडीज में तो ये ओवरऑल सीट मैट्रिक्स थी डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की राइट स्टूडेंट्स आई गेस मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है वन वन बाय कोर्स वाइज वाइज सीट राइट एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे कॉम्बिनेशन में आपको देना है ठीक है अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेना चाह रहे हैं तो आपको इस सेशन से हेल्प जरूर मिली होगी राइट स्टूडेंट्स तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी इसके इसके बारे में कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख बता सकते हैं राइट स्टूडेंट्स तो अगले सेशन के तक के लिए जय हिंद